हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जितने भी मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन करवाऊंगी, ये सभी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा और पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। कहीं ना कहीं आप सबको यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 30 नंबर आज का वीडियो देखे जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या पूछा गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना माप सागरों में जल स्तर की वृद्धि हो रही। ठीक है, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय तापमान का तापन का कारण पूछा गया कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। आंसर बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे है ना कि जो एग्जाम में आपको पूछे ही जाते हैं। और लोगों को लगता है ना कि लड्डू है, जिनको लगता है कि लड्डू है वही लोग क्या करते हैं एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो जितना भी टीचर पढ़ाते हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं। तो राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने के कारण जो कि भूमंडलीय तापन का कारण बनता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली खाने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। बताइएगा कि जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। आंसर होगा आपका मीथेन। और मीथेन जो होता है अपन जहाँ पे कचरा उचरा होता है उसमें पाई जाती है, और धान के खेतों में पाई जाती है। इसका फॉर्मूला था CH4 होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो आंसर होगा आपका वायु प्रदूषण। करते क्या कहते हैं इसको, वायु प्रदूषण कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का कारण बताइए कि वायु प्रदूषण का कारण क्या है। आखिर देखो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों ही जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही आप लोग के लिए मैं लेके आई हूँ, ताकि आप लोग को एग्जाम में ये वीडियो और दो तीन वीडियो और बना दूंगी, ताकि आप लोग को लाभदायक हो और दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। हो सकता है तो दो बार तीन बार रिपीट कर लीजिएगा। द राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी। बताइएगा वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है। आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। बताइएगा आंसर होगा इसका भी बी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे व्हीकल्स हो गए, चिमनी हो गए आपकी, और कारखाने से जो धुआं निकलता है ना, ये क्या होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत मात्रा में निकलती है, जो कि हमारे वायु में जाके क्या होता है, मिल जाता है एयर में, और ये मिलने के बाद एक हमारी वायु को क्या करता है, एयर पॉल्यूशन का रोल लेता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को किस तरह कम किया जा सकता है। आंसर होगा यहाँ पे वृक्षों द्वारा। ठीक है, वृक्ष जब लगाएंगे तो वायु प्रदूषण हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, और वहां पे हमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है। आंसर होगा जल संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। हरेला जो आपका एक पर्व मनाया जाता है, तो ये आपका कहाँ से है, उत्तराखंड से है। ठीक है, और ये जल से संरक्षण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वायु को कम करते हैं, क्या अवशोषित करते हैं, तो आपका अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय अवशिष्ट पूछा गया कि गैसीय अवशिष्ट क्या है। आंसर होगा यहाँ पे लकड़ी कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। ठीक है, लकड़ी कोयले से जलने वाले जलने से निकलने वाला धुआं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। मोटर कार, तो जो मोटर कार से जलने वाला जो प्रदूषक है वो अपना क्या होता है, लेड होता है, यानी कि सीसा। ठीक है, तो उसका जो सिंबल होता है पीबी होता है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। मिनी माता रोग
किसके कारण होता है? तो आंसर होगा आपका पारा। पारा के कारण यानी कि मरकरी के कारण मिनीमाता रोग और सबसे पहले जापान में देखा गया था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? आंसर होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये इज द राइट आंसर, जो कि वायुमंडल प्रदूषण का अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण। ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा ओस्लो यानी कि नॉर्वे में। ठीक है, ओस्लो या नॉर्वे दे दिया जाए, अब टिक कर दीजिएगा आगमन करके। ए इज द राइट आंसर बिना सोचे समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो आंसर होगा ओस्लो या नॉर्वे। ठीक है, सबसे ज्यादा वहां पे अम्लीय वर्षा होती है, यानी कि सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? आंसर होगा रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया था। रॉबर्ट एंगस स्मिथ ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है, बताइएगा ताजमहल को क्या क्षति पहुंचा रही है? आंसर होगा मथुरा तेल शोधन शाला से निकलने वाले वायु प्रदूषकों। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? तो ये आपका पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अगर पूछा जाए कि ओजोन लेयर कहाँ पे छेद हुआ है, तो आप बताएंगे अंटार्कटिका में। और ओजोन परत किससे मापा जाता है, तो आप बताएंगे डॉप्सन से इसको मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि डॉप्सन होता है इसको मेजरमेंट करने का। ठीक है, अगर मैं बात करूं, और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है? अभी मैं आपको बताइए की डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग दिमाग लगा के बताइए। तो राइट आंसर होगा आपका ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा कैंसर किन किरणों के कारण होता है? तो राइट आंसर होगा एक्सरे किरण के कारण आपका त्वचा कैंसर होता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस इंद्र को पर्यांश नहीं माना जाता है? आंसर होगा आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको बोला जाता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक है? आंसर होगा आपका यहाँ पे द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो राइट आंसर होगा कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस बी इज द करेक्ट आंसर, और ये एग्जाम में 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर से संबंधित ये भी बताइएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर होगा वायु प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा भोपाल, ए इज द राइट आंसर, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन संधान स्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा देहरादून। ठीक है, ये आपका देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, नई दिल्ली में स्थित है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा आपका नैरोबी केन्या में स्थित है, यानी कि ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण समस्या का उदाहरण क्या है? तो देखिए, इसका आपका ओजोन स्तर का ह्रास होना, अम्लीय वर्षा, हरित ग्रह प्रभाव, बिल्कुल सही, तो राइट आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण ह्रास का मानवीय कारण, जनसंख्या विस्फोट, वन उन्मूलन, नगरीकरण, आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ,
यहाँ पे आर्थिक संसाधनों का संरक्षण बिल्कुल सही है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बिल्कुल सही है, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण बिल्कुल सही। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन जीव कोष का प्रतीक क्या है? विश्व वन जीव कोष का प्रतीक आंसर होगा आपका बी, लाल पांडा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? लाल पांडा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे कि काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपके 37 क्वेश्चन यानी कि 37 कंप्लीट हो गए क्वेश्चन आज के लिए। इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस। अगर चैनल पे पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।